तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आज आप सबके साथ एक अपकमिंग एयरड्रॉप शेयर करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आप सबको सजेस्ट करता हूँ, अगर यहाँ पे आप सब अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ यूट्यूब चैनल पे नहीं जुड़े तो मोस्ट आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी लूट का वीडियो आता है तो सिंपली ऑल प्रोसेस का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। एंड सिंपली कोई भी एयरड्रॉप सबसे पहले आता है तो सिंपली उसका डिटेल्स भी यहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो उसके लिए मोस्ट आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो जाना। दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको पता होगा जैसे कि ओपन ओशियन यहाँ पे बहुत सारा यूनिसेफ का एयरड्रॉप आया था, मतलब जिसने भी यहाँ पे उनका कुछ स्पेसिफिक डेट है उससे पहले जिसने भी पार्टिसिपेट फिर क्या था सिंपली उसने यहाँ पे क्लेम कर पा रहा था। ऐसे मोस्ट ऐप हनी से मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, ओपन ओशन बहुत सारे एयरड्रॉप भी आप सबके साथ मैंने शेयर किया था। तो सिंपली सेम उस तरह यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब में भी आ रहा है, टेलीग्राम पे भी आ रहा है, मेटामास्क की तरफ से यहाँ पे एयरड्रॉप आने वाले। जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं इसमें एक पोस्ट है कि अंडर मोमेंट सम फॉल सूट एवर्ड मेटामास्क आर सर्कुलेटिंग वाइडली, वी वांट टू सेट अ फ्यू डेज टाइटल। तो इस हिसाब से यहाँ पे नीचे से स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स भी मिलेगा उनका टोकन के बारे में, जैसे कि गवर्नेंस टोकन होने वाला है। सिंपली यहाँ पे आपको मेटामास्क की तरफ से यहाँ पे एयरड्रॉप मिल सकते हैं फ्यूचर में और ना भी मिल जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सचेंज का खुद का टोकन, जैसे इनविशॉप का इनवे टोकन है, पैनकेक शॉप का एक टोकन है, उस तरह यहाँ पे शायद मेटामास्क की तरफ से कोई टोकन लॉन्च होने वाला है उसकी तरफ से यहाँ पे एयरड्रॉप भी आपको मिल सकते हैं। तो उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है अभी तक हमें पता नहीं है, बट यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे स्वैप करना होगा जो भी उनका खुद का एप्लीकेशन है। जैसे कि यहाँ पे पहले आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी इस वॉलेट को कोई भी दूसरा डेस्क में कनेक्ट करने के बाद सिंपली उसमें आपने ट्रांजेक्शन कर रहे थे, बट यहाँ पे आप सब देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आप मेटामास्क को अपडेट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे स्वैप का सेक्शन पहले इनेबल नहीं था, बट यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे ये इनेबल हो चुका है। तो सिंपली इसके थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे आप अपना टोकन को स्वैप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोलेट वॉलेट में स्वैप का सेक्शन डायरेक्ट आ रहा है, सेम उस तरह इसमें भी आप कर सकते हो। तो सिंपली स्वैप करने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं आपको पहले बोल रहा हूँ यहाँ पे आप कोई भी नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इथेरियम मेननेट को यूज़ कर सकते हो, वरना यहाँ पे अगर आपके पास बीएससी मेननेट सिंपली उसको यूज कर सकते हो, मैट्रिक नेटवर्क, तो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क भी मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको फोकस देना होगा यहाँ पे इथेरियम मेननेट में, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप इथेरियम के हिसाब से फीस नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहे कि इथेरियम का नेटवर्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा फी लग रहा है, अगर यहाँ पे आप इथेरियम के हिसाब से नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आप बीएससी नेटवर्क में कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे ये दोनों नेटवर्क नहीं कर पाएंगे तो देन यहाँ पे आप मेट्रिक को यूज कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप तीनों को कर पाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट होगा। तो सिंपली यहाँ पे स्वैप करने के लिए यहाँ पे अभी मेरे पास इतने भी ज़्यादा फीस नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं बीएससी मेननेट को सबसे पहले चूज़ करता हूँ। अगर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं मेटामास्क डॉट एप्लीकेशन बनना है की ब्राउजर या इंडेक्स ब्राउजर में, सिंपली उसका एक्सटेंशन को यूज़ करके यहाँ पे आप कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आपका मेटामास्क में यहाँ पे इथेरियम मेननेट में होगा, देन सिंपली आप सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने पर सिंपली यहाँ पे आपको नेटवर्क सेक्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आठ नेटवर्क के ऊपर क्लिक करके आपको मैं डिटेल्स दे दूँगा, उसको यहाँ पे कस्टम कर लेना होगा। दोस्तों उसके बाद सिंपली यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है पूजी टोकन, तो सिंपली मैं उसको स्वैप करके दिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पे कुछ भी क्राइटेरिया नहीं हमें मिला, कंडीशन नहीं मिला है कितना डॉलर का करना होगा, कौन सा डेट का अंदर करना होगा, कब उनका स्नैपशॉट लिया जाएगा, वो कुछ हमें पता नहीं, बट यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओपन ओशन में फर्स्ट राउंड में आया था जिसने भी $40 का ट्रेड किया था या मिनिमम चार ट्रेड किया था, तो सिंपली उसने यहाँ पे राउंड वन में एलिजिबल हुए थे। उसके बाद सेकंड राउंड के लिए भी हमें सेम प्रोसेस के साथ कुछ ज़्यादा अमाउंट का भी वॉल्यूम क्रिएट किया था, देन यहाँ पे हमने भी इसमें एलिजिबल हो गया, सेम उस तरह इसमें भी आपको करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्वैप के ऊपर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे मैं बीएससी मेननेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह बहुत सारे सेक्शन में मिलेगा, देन सिंपली यहाँ पे स्टार्ट शॉपिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों उसके बाद सिलेक्ट टोकन के ऊपर क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे आपको कौन सा टोकन को स्वैप करना होगा पहले आपको वॉलेट में ऐड करके रखना होगा। जैसे यहाँ पे पूजी टोकन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सिलेक्ट टोकन तो मतलब मैं किस में स्वैप करूँगा, ओके, जैसे यहाँ पे बीएनबी बीयूएसडी, तो इस तरह बहुत सारे सेक्शन में मिला, जैसे कि मैं यहाँ पे बी यू एस डी से करूँगा, तो जितना भी टोकन यहाँ पे मैं यूज मैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मुझे $101 यहाँ पे मैं मेरा जो भी बैलेंस कट जाएगा, देन सिंपली गेट क्रेडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे आपको कुछ इस तरह ऑप्शन मिलेगा, ऑल डिटेल्स यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपसे क्वोटेज इज नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्राई अगेन फिर से क्लिक करता हूँ।
दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मेरा फुजी टोकन से नहीं हो रहा था, उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने केक टोकन कुछ था, मैंने केक टोकन को सिलेक्ट किया, उसके बाद सिंपली यहाँ पे स्लिपेज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3% है, तो सिंपली मैं उसको सबसे पहले यहाँ पे 1% में कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूज मैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन गेट क्वेटेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन सिंपली यहाँ पे आप सो देख सकते यहाँ पे कितना मिलेगा, उसमें से यहाँ पे $1.83 का गैस फी कटेगा, मिनिमम यहाँ पे 0.5 के हिसाब से कटेगा, एंड मैक्सिमम $1.83 का कटेगा, एंड यहाँ पे जो भी फीस कटेगा यहाँ पे आप सो देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपको स्वाइप करने के लिए स्वाइप टू स्वाइप के ऊपर क्लिक करना होगा, जैसे कि यहाँ पे स्वाइप टू स्वाइप के ऊपर क्लिक करोगे देन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अप्रूविंग होगा। उसके लिए सिंपली यहाँ पे आपको क्या होना है कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग में भी ऑटोमेटिकली साइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली इसमें भी अप्रूव हो गया। देन दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ऑल मतलब यहाँ पे जैसे कि सिंपली आपको स्वाइप करना होगा, स्वाइप टू स्वाइप के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया। तो इस तरह यहाँ पे आप एक दो बार ट्रेड कर सकते हो, वरना यहाँ पे 100, 150, 200, $300 के यहाँ पे वॉल्यूम पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं फिर से उस टोकन को चूज करना, देन यहाँ पे आरोम के ऊपर क्लिक करना, फिर से मैं यहाँ पे केक टोकन को परचेस कर लूँ, जैसे कि यहाँ पे केक एंटर करने पर सिंपली यहाँ पे यूज मैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सिंपली गेट कोटेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन इसमें भी सेम प्रोसेस यहाँ पे स्वाइप टू स्वाइप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मुझे फिर से टोकन मिल जाएगा। मतलब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हो मेरे पास पहले केक टोकन था, केक टोकन से मैंने यहाँ पे सेल करके BUSD ले लिया, उसके बाद जो भी BUSD था सिंपली उसको सेल करके फिर से यहाँ पे केक टोकन ले गया। मतलब यहाँ पे जो भी केक टोकन से मैंने लिया फिर से उसे केक में ले लिया, मतलब कोई टोकन मेरा नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे जो भी आपका फीस कटेगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा फीस कटा यहाँ पे $1 से लेकर यहाँ पे $1.8 के अंदर मेरा फीस कट गया, तो सिंपली उस हिसाब से आप कर लेना। जैसे कि इसमें भी मेरा एक और प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसमें से मेरा $100 का था और उसको यहाँ पे सेल किया, मतलब $102 का वॉल्यूम क्रिएट हो गया। फिर से क्या किया कि मैंने उस $100 को सेल करके फिर से यहाँ पे केक टोकन को परचेस कर लिया, मतलब यहाँ पे इसमें भी मेरा $102 मतलब यहाँ पे टोटल यहाँ पे $205 का मेरा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो गया। तो इस तरह यहाँ पे आप एक दो तीन बार ट्राई कर लेना। उस तरह यहाँ पे अगर आपके पास फीस देने के लिए फंड है कि भाई यहाँ पे आप ट्रेड करना चाहते हो कोई भी इथेरियम नेटवर्क है, सिंपली उसको यहाँ पे इथेरियम मेननेट में चूज करने में इसमें भी यहाँ पे आप स्वाइप कर लेना। ओके दोस्तों इस तरह यहाँ पे अगर आप कर चाहो तो यहाँ पे आप मेटिक नेटवर्क में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर जैसे कि यहाँ पे आ गया BSC नेटवर्क में मैंने कर लिया, अगर यहाँ पे इथेरियम नेटवर्क में एयरड्रॉप आएगा, जिसने जो भी यूजर यहाँ पे इथेरियम मेननेट में यहाँ पे इस डेट से पहले यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था या ट्रेड किया था, सिंपली उसने क्लेम कर पाएंगे, तो उस टाइम यहाँ पे आपने भी क्लेम कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं मेरे पास अभी नहीं है, वरना यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आप अगर चाहोगे तो सिंपली BSC में कर सकते हो, इथेरियम कर सकते हो, यहाँ पे जो भी दूसरे नेटवर्क में भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपके पास फंड है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे इथेरियम मेननेट में करने के लिए। ओके तो इस तरह यहाँ पे स्वाइप कर लेना, जितने भी वॉलेट है सब वॉलेट में जाके ट्राई कर लेना।